राजधानी दिल्ली में आईबी ने अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के बाद पूरी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं कश्मीर में हुए आतंकी वारदात और नवरात्र में आईबी की तरफ से दिए गए अलर्ट के बाद कमांडो दस्ते की भी तैनाती की गई है और इंतजामों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता पवन मिश्रा ने। खुफिया विभाग ने अगले 48 घंटे तक के लिए अलर्ट जारी किया है। आईबी का यह कहना है कि आतंकी राजधानी दिल्ली में आतंकी गतिविधियों को या फिर आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए हैं। दिल्ली के क्रांट प्लेस के ठीक सामने मैं खड़ा हूं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से यहां पर अलर्ट है, हर गाड़ियों की बारीकी से जांच की जा रही है। खुद दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर मुस्तैद हैं और एक एक गाड़ियों की बारीकी से यहां पर जांच की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के अलावा अलग अलग जगहों पे 8 टीमों का गठन भी किया गया है दिल्ली पुलिस के तरफ से। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो तत्काल उसकी गिरफ्तारी की जा रही है, उसे तत्काल पूछताछ किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कमांडो दस्ता खुद वहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह के मचान अलग अलग जगहों पे दिल्ली के अलग अलग सर्कल पे बनाया गया है। खुद कमांडो वहां पर मुस्तैद है। सामने आप देख सकते हैं कि बैरिकेड यहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से यहां पर बैरिकेड भी किया गया है और खुद कमांडो यहां पर मौजूद हैं और एक एक व्यक्ति पर सघन वहां पर निगरानी की जा रही है, एक एक लोगों पर सघन निगरानी की जा रही है। खुद दिल्ली पुलिस की तरफ से यह अपील की गई है कि अगर कोई व्यक्ति आपको संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो तत्काल इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस को दी जाए। 3 चक्रों का सुरक्षा इंतजाम दिल्ली के अलग अलग जगहों पर किया गया है, यानी पहले की जो सुरक्षा व्यवस्था है दिल्ली पुलिस ने अपने हाथों में रखी है, दूसरी सुरक्षा व्यवस्था पैरामिलिट्री फोर्स के हाथों में, तीसरी सुरक्षा व्यवस्था 3,500 सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था तमाम आप देख सकते हैं कि बैरिकेड खुद बैरिकेड लगा के दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स और कमांडोज दस्ता यहां पर मौजूद है और हर लोगों की सघन तलाशी, अगर कोई भी गाड़ी संदिग्ध दिखती है तो उसकी भी जाँच की जा रही है और सुरक्षा में कहीं भी चूक ना हो सके। खुद कुछ आतंकियों के भी स्केच जारी किए गए हैं और यह अपील किया गया है कि अगर ये आतंकी दिखाई देते हैं दिल्ली एनसीआर में इसकी तत्काल सूचना स्थानीय पुलिस को दे। नवरात्र को देखते हुए भी दिल्ली पुलिस ने अलग अलग जगहों पे सुरक्षा के तमाम कड़ी चौकसी और कड़े इंतजाम किए हैं। कैमरा पर्सन विवेक सिंह के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।